कोटा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वार्ड 57 नयापुरा कब्रिस्तान की दीवार गिर गई है। मलबे में दबे करीब 6 से ज्यादा वाहन। दीवार गिरने के दौरान मौके पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन मौके पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं। संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। संजय, कैसी दीवार गिरी और अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये काफी पुराने दीवार थी और अचानक आज गिर गई, और गनीमत ये रही कि उस टाइम वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, वो बच गए। बाकी 5 से 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। प्रशासन व स्थानीय पार्षद व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और अभी वो मलबा हटाया जा रहा है और आगे की जो मामला है उसे समझाया जा रहा है किन कारणों से दीवार गिरी। बिल्कुल संजय, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो वहाँ पर वाहन मौजूद थे, लगभग 5 से 6 वाहन वहाँ मौजूद थे, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मलबे के नीचे अभी दबे हुए हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। संजय, क्या पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं मौके पर? इसके अलावा क्या वहाँ पर कोई हंगामा भी हो रहा है इस दीवार को लेकर? मौके पर है संजय, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, पुलिस अधिकारी व प्रशासन के लोग मौके पर है। अब मलबा हटाए जाने का जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा। अभी वहां पर काफी भीड़ हो गई है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि इसके नजदीक बाकी जो दीवार है वो भी काफी पुरानी और जर्जर है, उसके भी गिरने की संभावना नजर आ रही है। इसको देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया संजय आपका अधिक जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, कई गाड़ियां मलबे में दब चुकी हैं।